मैं मनोज कुमार दास, आज फिर डेली डोज में आपका स्वागत है। आज हम लोग चलते हैं, क्या था 3, 6 और 9 का हम लोग रूल डिविजुअल का वाला जो है सीखने वाले हैं। तो 3, 6, 9 का जो हम लोग जो है विभाजन का रूल हम लोग सीखते हैं। चले चलिए, तो फिर हम लोग जो है पहले 3 का रूल कुछ नंबर ले लेते हैं। ये जो नंबर है, अगर हम लोग 3 का रूल हम लोग देखना चाहते हैं कि ये डिविजिबल है कि नहीं, तो पहले हम लोग को डिजिट को सम करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन उतारते हैं, 86328। हेयर द सम ऑफ द डिजिट्स इक्वल टू 8 + 6 + 3 + 2 + 8 10 13 और 14 27। देखिए यहाँ पर 27 जो है 3 से कटेगा, 27 जो है 3 से कटेगा। हेयर द सम ऑफ द डिजिट, हेयर द सम ऑफ द डिजिट डिविजल बाय 3। 27 जो है 3 से कट रहा है, तो हम लोग को करना है क्या, सो द नंबर जो या नंबर ये, सो द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका भी हम लोग सम निकालते हैं। 7 + 5 + 3 + 2 + 1 आपको लिखना भाषा ऐसे ही, हेयर द सम ऑफ द डिजिट्स हम लोग यहाँ ऐड करेंगे, क्या होगा 18। ये भी कटेगा, तो ये जो है 3 से कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 3 नंबर देखते हैं, 96381, इसको भी हम लोग ऐड करते हैं। नाइन एटीन और नाइन ट्वेंटी सेवन, ये भी 3 से कट रहा है। अब लास्ट एक नंबर है, नंबर 4, 4313, 4313, इसको भी ऐड करते हैं। 11, ये जो है नहीं कटेगा। हेयर द नंबर इज, हेयर द सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट इज नॉट डिविजिबल बाय 3, सो द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय, सो द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, अगर हम लोग इसमें हिंदी में देखना चाहेंगे तो क्या, यहीं पर लिख देता हूं मैं थोड़ा, ठीक है, यहां अंकों का योग, बस वैसे ही सेम टू सेम, फिर लिखेंगे यहाँ जो है अंकों का योग जो है 3 से विभाजित है, इसलिए ये नंबर 3 से विभाजित है। ठीक, अब जो है हम लोग 9 का रूल सीखते हैं, इसी नंबर को ही देख लेते हैं। पहला डिविजिबल रूल ऑफ 9, जैसा हम लोग 3 के लिए ऐड कर रहे थे, जोड़ रहे थे, वैसे ही 9 के लिए भी ऐड करेंगे। जैसा 3 से अगर वो नंबर कटता है तो कन्फर्म वो नंबर कट जाएगा 3 से पूरा का पूरा, और अगर ये सम जो है अगर वो पूरा का पूरा 9 से कट रहा तो भी वो नंबर जो है 9 से कटेगा, अगर 9 से नहीं कट रहा तो नहीं कटेगा। तो इसका सम निकालते हैं, सम ऑफ द डिजिट्स इक्वल टू 8 + 6 + 3 + 2 + 8 10, 13। हाँ, यहाँ सम हो रहा है सर 27। देखिए 9 का टेबल में 27 है, 9 से कट जाएगा, यानी कि नंबर जो है 9 से कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, 5, 3, 2, 1, यहाँ भी सम हम लोग देख लेते हैं। 7
प्लस फाइव प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन, इसका सम क्या होगा 18। ये 18 भी 9 के टेबल से कटेगा यानी कि ये भी 9 से कट जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या था 96381, इसका भी हम लोग सम करते हैं। हाँ इसका सम क्या है 27, ये भी 9 से कटेगा तो ये पूरा का पूरा नंबर जो है हमारा 9 से कट जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4313, इसका सम क्या था 11, ये जो है 9 से कटेगा नहीं तो ये 9 से नहीं कटेगा, यानी कि इसमें भी वही रूल है जैसा 3 का वैसा ही 9 का ही है। 3 का सीखा 9 का सीखा, और पिछला वीडियो में हम लोग क्या सीखे थे 2, 4 और 8, अभी हमको 6 भी सीखना है ना। इसी नंबर से हम लोग देखते हैं, कोशिश करते हैं सीखने का। तो हम लोग का 6 जो है ना, 6 और 6 का रूल है जो 2 से कटेगा और 3 से कटेगा, जो 2 से कटेगा और 3 से कटेगा वही जो है नंबर हम लोग का 6 से कटेगा। तो पहला नंबर हम इसमें से फिर से उठा लेते हैं इसी को, देखें यहाँ देखिए ये क्या है नंबर पहला 8 है, 8 है, इसका मतलब क्या है 2 से कटेगा, रूल तो सीखे थे 2 का ना, तो ये 2 से कटेगा। अब 3 से भी कटेगा, देखिए सम था 27 तो 3 से कटेगा, मतलब 2 से भी कटेगा 3 से कटेगा, तो नंबर जो है 6 से कट जाएगा, ठीक है कन्फर्म है। तो ये 6 का रूल अगर अप्लाई करेंगे 2 का भी, 2 से भी कटेगा, पहले 2 से देख लेंगे, अगर 2 से कटेगा तो फिर हम सम करके देख लेंगे, तब हम लोग लिख देंगे कि हाँ ये जो है नंबर 6 से भी कटेगा। यहाँ देखें ये नंबर जो है 18 है, सम है 18 यानी कि 3 से कटेगा, लेकिन फेल कहाँ कर रहा है यहाँ देखिए क्या है, यहाँ 1 है, 1 है यानी कि ये 2 से नहीं कटेगा। जब ये 2 से नहीं कटेगा तो ये नंबर हम लोग 6 से नहीं काट सकते, ये भी वही है 1 है नहीं कटेगा किससे 2 से, यहाँ भी है 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा भी नहीं, तो यानी कि दोनों से नहीं कटेगा तो नंबर जो है 6 से नहीं कटेगा। चले कुछ वर्क देखते हैं हम लोग जो है 3, 6 और 9 इससे जो है डिविजिबल है कि नहीं हम लोग घर में से वर्क करके आएंगे। पहला क्वेश्चन है, दूसरा, सम करके देखें 3, 6 और 9 से कटेगा या नहीं। इतना ही बना के हैं, और कुछ बच्चों के लिए भी वर्क दे देते हैं। इसको बनाने के साथ साथ आप लोग क्या करें, टेबल थोड़ा बीच में घर में पढ़ते रहें। टेबल जो है 7, 8, 9 के एक बार प्रैक्टिस कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ऐसे ही मैथ्स के लिए बने रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।